और मुझे इमरजेंसी है भाई, कर दो यार, कर रखे देना तुम, मैं मेडिसिन जी भाई। अच्छा मैं उन्हें कह देते, वो कहते मैं ना शॉप ते जा रहा हूँ, तो मैं हूं ही भेज देना ना। चलो ठीक है, मैं फिर 10-15 मिनट बाद कॉल करता रहा मैं, ठीक है। इसको आज मैंने सही करके तरवीर करना है ना, ताकि ये जो लोग हैं ना दूसरों को लूटने वाला काम करते हैं, तो इनको सबक सिखाना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ताकि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस फ्रॉड से बच सकें। तो चलो अभी नेक्स्ट कॉल आएगी, वो भी रिकॉर्ड करते हैं। हेलो हेलो नवीद, हेलो आवाज आ रही है? हेलो जी, जी भाई जी। अच्छा नवीद साहब, वो शॉप पे पहुंचा है, वो कहते हैं एक दो बंदे खड़े हैं, वो कर रहा है, तो बस अभी भिजवाता हूँ, तो क्यों 2-3 मिनट में ना वो नंबर आ जाएगा, जितनी देर लगती है ना भेजने पे। तो यार मुझे इमरजेंसी है भाई, कर दो यार, कर रखे देना तुम, मैं मेडिसिन लेना है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, बस आपने बेवकूफ़ी की है ना, चबर इंसान है आप बिना बताए चले गए। ठीक है, आप तकरीबन 4 या 5 मिनट बाद कॉल करें ना, उम्मीद है आपको मैं मैसेज भेज दूंगा जो भी होगी, क्योंकि वो शॉप पे पहुंच, वो उधर ही खड़ा है ना, अभी भिजवा रहा है। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके। हर कोई इस टाइम पे ऐसा नहीं सोच सकता कि ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, कोई काफी लोग जो है वो इस तरह पैसे भेज देते हैं। हेलो, हाँ जी, वो अकाउंट नंबर तो भेज दे, वो तो कोई अकील नाम का नंबर आ रहा है उस नंबर पे। अकील? जी जी, अकील तो सलीम तो दसे है ना। हाँ हाँ। तो फिर वो अकील सामने आ रहा है ना। तुसी नंबर मेनू दोबारा सेंड करो ना, मैं उन्होंने दसना उत्थे ही खड़ा है ना। वो कहने ने के ना नंबर अकील दा, मगर अकील तो सेंड नहीं करने, असी सलीम को सेंड करने ने। चलो मैं नंबर सेंड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि उसने 3 अकाउंट भेज दिए हैं, तो ये आप उसकी फिर कॉल आ रही है, उससे बात कर। हेलो, यार ये तो कोई 3 नंबर भेज छोड़े ने ना तुसी। जी नहीं, ये सारा ते 5-5 हजार भेजने ने, या 1000-1000 भेजने ने तीनों ते। नहीं नहीं, मैं कह रहा जिधर 0-0-340 वाला नंबर है ना। जी 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 जी, पैसा है जिधर 5000 करा दे उन्हें नुकसान। जी जी पैसा। अच्छा इजी पैसा ते कराने हैं, जायज कैश नहीं कराना। नहीं नहीं, जिधर 40 वाला नंबर तू सेंड कर दो, इजी पैसा बने जायज कैश नहीं। अच्छा जहर के इजी पे, मैं उसको कहना कि अभी जहर के ऐसे निकलो और इजी पैसा पे जाओ, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि जहर कैश वाली दुकान से निकलो और इजी पैसा पे जाओ, उस पे इजी पैसा मिल जाएगा। अच्छा होगा तो फिर ठीक है ना, फिर तो मसला ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अंदाजा लगाओ ये कितना, मतलब के लोगों को ना कॉन्फिडेंस के साथ ये लूटने का काम करते हैं। ये आप देखें, मैं तो जहाँ पे बैठा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, और साथ में उसके मजे ले रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी मजे भी लो और इस चीज से अवेयर भी रहो। हेलो, हाँ नंबर मैंने भेज दिया, 40 बाद आना, एंड पे 40 है। नंबर क्या भेजा तो? जी नंबर जो आपने मैसेज किया ना, जो एंड पे 40 वाला है, वो मैंने उसको भेज दिया है, उसे बहुत। एक मिनट, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देख 410 है एंड पे। हाँ हाँ सॉरी, वो 340-18-14-410। मैंने उसको दे दिया है ना, तो वो इजी पैसा अभी भिजवा रहा है, जब आपको पहुंच जाए ना तो फिर मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मेरी टेंशन भी खत्म हो। तो नाम भी पूछना। हाँ नाम सलीम है ना,
पूरा नाम क्या है? अच्छा चलो सही है फिर, ठीक है फिर वो बताता है तो आपको बताता हूँ। मैंने तो एडवांस आपको बताया था कि आधा घंटा लग जाएगा ना, क्योंकि मैं खुद तो जा नहीं रहा ना। ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ ना, आपका नंबर उधर पहुंचे हुए है ना, वो भेज देना, मैंने उसे मैसेज किया, वो भिजवा के जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स करते ना, आप 5 मिनट बाद कॉल करें मुझे, उम्मीद है आपको पहुंच जाएंगे तो आप वेरीफाई कर देंगे ना कि पहुंच चुके हैं। क्या चीज? नहीं मैंने उसको मैसेज करना है ना, कॉल नहीं करनी। हाँ जी, तो मैसेज मैंने उसको नंबर किया है ना, तो वो जैसे होके भेजता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरी सुनो बात को कर दो, इमरजेंसी है, मैं सुबह आपके आपके आपकी मांग दे दूंगा। अच्छा चल आप कॉल खत्म करो, मैं उसे कॉल करके कहता हूँ, आप 5 मिनट बाद मुझे कॉल करो, आपके पास अभी 1-2 मिनट में पहुंचते हैं, मैं उसे कहता हूँ कि यार भेजो भी सही, आपके चक्कर में ना इधर मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ जल्दी से हो जाए ताकि ये टेंशन ही खत्म हो जाए। चलो अभी कॉल करो यार। ठीक है, ओके, अल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हेलो। हाँ जी, वो कहते हैं हमने पैसे भेज दिए हैं, सजी मुझे नाम आ रहा था, सजी मुझा खान, सजी मुजा खान। हेलो। ओ यार आखते 410 और 304। जी, इजी पैसा। अच्छा एक और बात सुनो मेरी, हेलो भाई। हाँ जी, वो इजी पैसा पे सेंड भी नहीं हुए, रिटर्न हो गया उनके पास, मैसेज आ गया। जी नहीं समझ आई। नहीं तेरे को नहीं पहुंचे ना, जो रिटर्न हो गए ने ना, पत्नी को इश्यू दी वजह तू। अच्छा मेरी बात सुनो ना, वो उनके पास रिटर्न हो गया, वो कह रहे हैं कि किसी जैद कैश पे भिजवा दो ना। अच्छा ना वो एक और बात कि वो नवीद मेरे पास ही बैठा हुआ है, नवीद मेरा जो कजन है वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, उससे बात करनी है। चल दफा हो। ये आप देख सकते हैं कि एंड पे जब उसे पता चला कि नवीद तो इसके पास ही बैठा है, और वो मतलब किस तरह गाजी गलौज पे आ गया, तो वो गाजियां मैं यहाँ पे नहीं सुनवा सकता, तो उसने मतलब कि गाजी गलौज निकाली है। तो ये असलियत है ऐसे लोगों की, फ्रॉडियों की, ठीक है ना। आप लोग इनसे बचें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।